अक्सर बच्चे फ्रूट्स खाने के नाम पर नाक मुंह बनाने लग जाते हैं। ऐसे में माओं की आगे समस्या खड़ी हो जाती है कि वो बच्चों को फलों का पोषण कैसे दें। अगर आप भी अपने बच्चों के फ्रूट ना खाने से परेशान हैं तो हम आपके लिए लाए हैं फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी या फिर पुडिंग कह लीजिए, जो आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे और इसी बहाने बच्चों को फ्रूट भी खा लेंगे। और फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, पैदा हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी गर्म दूध लिया है, गुनगुना दूध है, और हमने यहाँ पर पार्ले बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप जो भी बिस्किट खाते हैं आप उसका इस्तेमाल करिए और चाव से ये पुडिंग को बनाइए। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे हमने ये बिस्कुट को डिप कर लिया है और अब क्या करेंगे कि अब हम बिस्किट के टुकड़े करके ये जो बाउल में जो फिलिंग है इसको हम फिल करेंगे। जो इसमें गैप रखी हुई है इसको हम फिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जब पुडिंग भर जाए तो फिर जब आप नीचे से आप स्पून से इसको खाएं तो आपका हर चीज़ का टेस्ट आपके मुंह में आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा दूध इसलिए डाल रहे हैं कि जो बिस्किट की जो ड्राइनेस है वो हट जाए और ये बहुत ही सॉफ्ट बने और बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हो। यहाँ पे मैंने तरबूज लिया है और यहाँ पे हमने केले का इस्तेमाल किया है। आपको जो फ्रूट पसंद है आप इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप फ्रूट को डाल सकते हैं। आप अच्छे से अब इस कटोरी में आप ये फ्रूट्स को डाल दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने तरबूज डाला है और अब धीरे धीरे करके हम यहाँ पे केले को डालेंगे। आपको ज़्यादा फल इसमें अभी नहीं डालना है, आपकी जितनी मर्जी हो उतना आप डाल लीजिए, लेकिन इसको ज़्यादा फिल नहीं करिएगा क्योंकि जब आप दूध की जो फिलिंग बनाएंगे इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है, इस वजह से आपको थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। अब यहाँ को आपको 10 मिनट के लिए इसको फ्रीजर में रख देना है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ दूध था ये हमने कढ़ाई पे ले लिया है और यहाँ पे अब हम एक कप मिल्क और ऐड करेंगे। और याद रखिएगा कि अभी आपको फ्लेम ऑन नहीं करना है। यहाँ पे मैंने मिश्री लिया है क्योंकि मुझे इसको हेल्दी बनाना है। आप चाहें तो इसमें भूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डालेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते हैं तो आप 1 लीटर दूध ले लीजिए और फिर इसको आप अच्छी तरह से गाढ़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और आपको याद रखना है कि अभी आपको फ्लेम ऑन नहीं करना है। आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, कोई लम्स ना रहे और ये अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। आपको ये बहुत ही जल्दी जल्दी करना है कि ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ को हमने मिला लिया है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम फ्लेम पे चढ़ा देंगे। अब इसका हम फ्लेम ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब हमें इसे बहुत ही लगातार चलाना है ताकि जो हमने जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो चले ना और आपका दूध एकदम गाढ़ा बन करके तैयार हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होगी कि जैसे राबड़ी लगता है वैसे ये बन करके तैयार होगी और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इसकी फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप देख रहे हैं कि ये हम यहाँ पे लगातार इसको चला रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ रहा है, फिर भी हमने इसको चलाना नहीं छोड़ा है। आप इसको अच्छी तरह से चलाएं जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। आप इसको लगातार अभी आप चलाते रहें। आप जितना अच्छे से चलाएंगे उतने अच्छे से ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही ठीक बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये गाढ़ा हो गया है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं हुआ है कि जितना हमें चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने गुलकंद का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे रोज़
वाटर डाल सकते हैं या केवड़ा डाल सकते हैं या फिर आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मुझे गुलकंद अच्छा लगता है इसलिए मैंने गुलकंद को इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप गुलकंद को डालिए, अन्यथा अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही थोड़ा थिक हो गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो टेक्सचर है कितना गाढ़ा हो गया है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। अब फिर भी हम इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे। आपको याद रखना है कि ये नीचे से जले ना, इसलिए आपको ये लगातार चलाना है। और याद रखिए जब आपका ये बन करके तैयार हो जाए फिर आपको ये 10 से 15 मिनट इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। आप जितना इसको ठंडा करेंगे उसकी जो थिकनेस है और बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको कवर कर लिया है और ये यहाँ पे ठंडा हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जब ये ठंडा हो गया है तो ये कितना थिक हो गया है, जैसे लग रहा है कि ये द्राबड़ी है। अब जब हमने ये फ्रूट्स जो काट के फ्रिज में लगाए थे, अब इसमें ये हम मिल्क का जो हमने मिक्सचर बनाया है इस बाउल में हम सारे बाउल में डाल देंगे। एक एक करके हम ये सारी बाउल में डाल देंगे। आपको बहुत अच्छी से ये अब पता चल गया होगा कि अगर आप ये बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही वो शौक से खाएंगे और बहुत ही उनको बढ़िया लगेगा। यहाँ पे मैंने गार्निश किया है टूटी फूटी से। टूटी फूटी बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेना है तो आप ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं, या अगर आपको ऊपर से गार्निश करना है फ्रूट्स की तो आप फ्रूट्स की गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसलिए फ्रूट्स की गार्निश नहीं की है कि बच्चे जान ना पाए कि इसमें फ्रूट्स पड़ा हुआ है। आप बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर खिलाइए और यकीन मानिए बच्चे इसके शौक से खाएंगे और बच्चे क्या बड़े भी इसको शौक से खाएंगे और आप तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इस रेसिपी की फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया लग रहा है। एक एक जो ये पुडिंग है कितनी अच्छी और कितनी लजीज लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इसकी फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आप सभी को सबसे पहले मिले। और वीडियो देख कर कहें वाह भाई वाह क्या बात है। आप भी हमारा सपोर्ट करते रहें। आप जब हमारा सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होती है। आप हमारा सपोर्ट ऐसे करते रहें, हम ऐसे ही आके वीडियो बनाते रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक बाइट ली है स्पून से। ये देखिए कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी लग रही है ना कि हाँ कुछ बना है, कुछ बढ़िया बना है। ये बहुत ही आसानी से बनाने जाने वाली स्वादिष्ट और पौष्टिक डिज़र्ट है। चाहे इसे किसी खास अवसर पर बनाइए या घर में जब भी कोई फल बच जाए तब इसको बना लीजिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इसके फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।